चलो आज हम मेस यानी कि मक्का कैसे सूखता है वो जानते हैं। पहले हम मेस का मॉइस्चर लेवल चेक करते हैं मॉइस्चर एनालाइजर की मदद से। मेस को सुखाने के लिए हम सबसे पहले उससे फीडिंग पिट में डालते हैं। फिर बकेट एलिवेटर के साथ ड्राइंग चेंबर में भेजते हैं। ड्राइंग चेंबर में हम मेस को हॉट एयर जनरेटर से आने वाली गर्म हवा से घेर देते हैं। इसे हर ग्रेन को इवनली और यूनिफॉर्मली ड्राई होने में मदद मिलती है और उसकी क्वालिटी बरकरार रहती है और मेस की बाहरी परत को हानि नहीं पहुंचती और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बरकरार रहती है। ड्राइंग प्रोसेस में हमारे पास ऑटोमेशन पैनल बोर्ड होता है जो टेम्परेचर रीडिंग्स दिखाता है और हमें प्रेसाइज कंट्रोल करने की अनुमति देता है। मेस का ड्राइंग प्रोसेस पूरा होने पर हम एक बार फिर मॉइस्चर एनालाइजर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ये कंफर्म कर सके कि मेस का मॉइस्चर लेवल अब सही है और वो फर्दर प्रोसेसिंग या स्टोरेज के लिए तैयार है। हमारा मेस ड्रायर मेस प्रोसेसिंग यूनिट्स और ट्रेडर्स के लिए सूटेबल है। सिंगल पास मेस ड्राइंग पाउडर फॉर्मेशन से बचाता है, स्पेस और कॉस्ट बचाता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है, कलर और क्वालिटी को सुधारता है। आप अपने हिसाब से हॉट एयर जनरेटर चूज कर सकते हो। कैपेसिटी 24 से 1000 टन्स पर डे। ऑटोमेटिक ड्राइंग, टेम्परेचर कंट्रोल और एनर्जी एफिशिएंट है। हमारे ड्रायर्स कॉनिकल, वर्टिकल फ्लो और बेल्ट ड्राइंग मॉडल्स में उपलब्ध है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट करें।